विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन का 98वां सालाना उर्स इस बार सादगीपूर्ण होगा। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट ने सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्यक्रम को औपचारिक रूप से करने का निर्णय लिया। इस उर्स पर दरगाह परिसर में जायरीनों को प्रवेश नहीं होगा। उल्लेखनीय बात है कि ताजुद्दीन के सालाना उर्स देश भर में श्रद्धालुओं का हजूम उमड़ता है। नागपुर, संपूर्ण विदर्भ, मुंबई सहित मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर, बिहार जैसे राज्यों से बड़े पैमाने पर जायरीन नागपुर पहुंचते हैं। इसी संदर्भ में ताजबाग ट्रस्ट व सकरदरा पुलिस स्टेशन की बैठक में पुलिस निरीक्षक SB मां ने पुलिस खुफिया विभाग के सुनील सरदार, ताजबाग ट्रस्ट प्रशासक गुणवंत कुबड़े, कार्यकारी सदस्य अमान खान समेत ताजबाग दरगाह के खादिम उपस्थित थे। ट्रस्ट के अनुसार बाबा ताजुद्दीन का सालाना उर्स औपचारिक रूप से 11 सितंबर से 18 सितंबर के दरमियान होगा। इस दौरान ताजबाग दरगाह परिसर में जायरीनों को प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। इसी के चलते उर्स के दौरान दरगाह की ओर जाने वाले तमाम मार्ग बंद रखे जाएंगे। ट्रस्ट के प्रशासक गुणवंत कुबड़े ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि कोविड-19 महामारी को रोकने में अपना योगदान देते हुए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और दरबार परिसर में न आए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़, नागपुर।